हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सुप्रीम कंप्यूटर परीक्षा। मेरा नाम है हरीश बारापात्रे और इस वीडियो में हम लोग आरबीपीएस पीओ प्री एग्जाम के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। इसके पहले दो वीडियो मैंने आपको दे दी है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो यहाँ पे ऊपर मैं उसकी लिंक देता हूँ, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, ये शिफ्ट पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किए थे, ये चार शिफ्ट में आज दिन भर में एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो थर्ड शिफ्ट की हम लोग यहाँ पर भी बात करेंगे। आईबीपीएस पीओ क्लर्क प्रीलिम, ओके, गाइडलाइंस वगैरह तो ये पहले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे, राइट। डिफिकल्टी लेवल, ओके, तो देखिए थर्ड शिफ्ट में इंग्लिश वॉज इजिएस्ट एंड स्कोरिंग, ये दो शिफ्ट में भी इसी टाइम का था, राइट, इजिएस्ट था और स्कोरिंग था, ओके, और शिफ्ट थ्री इजी टू मॉडरेट थी, ओके, फाइन। देखिए सेक्शन नेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका डिफिकल्टी जो लेवल था वो था मॉडरेट एंड कैलकुलेटिव, राइट। ऑब्वियसली हर एग्जाम में रहता है क्वांटिटेटिव का, कैलकुलेटिव ही ज़्यादातर रखा जाता है इसका लेवल, फाइन। रीजनिंग एबिलिटी का मॉडरेट लेवल था और इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर इजी टू मॉडरेट लेवल, मतलब आप कह सकते हो कि थर्ड शिफ्ट भी मतलब फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के बराबर ही थी, ओके। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल लेवल इसका था मॉडरेट, फाइन। चलो देख लेते हैं अभी रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन के बारे में। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए यहाँ पे चार क्वेश्चंस पूछे गए थे, 20 मार्क्स यानी चार क्वेश्चन, राइट, मतलब 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है आपका, उस वजह से अगर वहां से कैलकुलेट करेंगे तो 5 4 20, राइट। यहाँ पे देखिए टॉपिक डिटेल्स, सर्कुलर पजल आई थी, राइट, फेसिंग इनसाइड 6 पीपल लाइकिंग कलर्स, लीनियर पजल आई थी बाय डायरेक्शन 8 पीपल 4 फेसिंग नॉर्थ एंड 4 फेसिंग साउथ, टेबुलर पजल आई थी 9 पीपल गिवन, शेड्यूलिंग बेस्ड टाइम स्लॉट इज गिवन, फाइन। तो देखिए इस टाइप की पजल आई थी 1 2 3 और 4, राइट, चार टाइप की पजल पूछी गई थी आपकी, तो ये हर बार ये पूछी जाती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है पजल्स की। पजल्स की प्रैक्टिस आप ऑनलाइन कर सकते हो, जो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट में तो उसको लेकर ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर देना। आपको एक पजल 5 बार सॉल्व करनी है, एक पजल, वन एंड सेम पजल वी हैव टू सॉल्व 5 टाइम्स, ओके। देखिए सिलॉग्स, सिलोलिज्म, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, लेवल इसका क्या क्या था, इजी था, ओनली एंड फ्यू टाइप्स, मतलब पिछली बार भी यही पूछा था, मतलब पहले इसके पहले के शिफ्ट में भी ओनली और फ्यू वाला जो है टाइप पूछा गया था, ओके, यहाँ से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे सिलॉक्स से। कोडिंग डिकोडिंग, इसके 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, चाइनीज टाइप कोडिंग डिकोडिंग वाज आस एंड क्वेश्चंस वेयर इजी, ओके। चाइनीज टाइप कोडिंग डिकोडिंग के वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। ऑर्डर एंड रैंकिंग, देखिए इसके 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे एग्जामिनेशंस में, हाइट बेस्ड क्वेश्चंस और लेवल इजी टू मॉडरेट, फाइन। मिसलेनियस, इसके 4 क्वेश्चंस थे इस बार थर्ड शिफ्ट में, फाइन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ था रिलाइजेबल, ओके, एंड यू हैव टू मेक 1 मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, 8th लेटर एंड 10th लेटर, ओके, फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, 5, 6, 7, 8th, 8th letter or 9th, 10th letter, ओके, इनको यूज करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, और ये फ्रीक्वेंट एक वर्ड दिया हुआ था फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, यहाँ पे पेयर्स आपको बनानी थी यहाँ पर, ओके, फाइन। ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन आया हुआ था और एक नंबर वॉज गिवन वेयर 1 वॉज एडेड टू इवन एंड 2 वॉज सब्ट्रैक्टेड टू ऑड, मतलब जनरल टाइप के क्वेश्चन थे मिसलेनियस में भी इस बार। चले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं हम लोग। अप्रोक्सीमेशन 5 मार्क्स का आया हुआ था, क्वेश्चंस वेयर बेस्ड ऑन द बेसिक बोडमॉस रूल, इजी था ये और डुएबल था, फाइन, इजी था और डुएबल था। रॉन्ग नंबर सीरीज से यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस ऑन रॉन्ग नंबर सीरीज स्टैंडर्ड टाइप था, ओके, इजी टू मॉडरेट लेवल का। चलो डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, ओके, 3 और 1 क्वेश्चन 5 मार्क का, मतलब ये हो जाते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चंस। कैसलेट डीआई इजी, ओके, इजी क्वेश्चन आया हुआ था बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल।
लाइन चार्ट था यहाँ पर डी आई, ओके लाइन चार्ट, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड एंड अपीयर्ड, टेबुलर डी आई आया था, मतलब सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस शिफ्ट में आपके पूछे गए थे आप देख सकते हो यहाँ पे सेम क्वेश्चंस थर्ड शिफ्ट में भी आज जो है पूछे गए हैं। चलो मिसलेनियस अरिथमेटिक 10 क्वेश्चंस आए हुए थे, ओके और सेम टॉपिक्स जो टॉपिक्स पिछले मतलब शिफ्ट में पूछे गए थे सेम टॉपिक्स इस शिफ्ट में भी आपके पूछे गए हैं। तो ये टोटल 35 मार्क्स का आपका सेक्शन बन जाता है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कंप्रेंशन 8 मार्क्स का आया हुआ था, वहां पे देखिए आरसी वाज बेस्ड ऑन टॉपिक ऑफ पैंडेमिक, 3 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, 3 यहां पे वोकैबुलरी से बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे, 1 वर्ड वाज एक्यूट राइट, और इसका सिनोनिम्स पूछा गया था, और इंक्लाइंड इसका अपोजिट वहां पे पूछा गया था। पैंडेमिक आपको पता है कोरोना की जो है अभी चल रहा है कोरोना डेज, तो उसी के ऊपर ये पैंडेमिक का आया हुआ था, और वेक का यहाँ पे सिनोनिम्स उन्होंने पूछा हुआ था। फाइन, मतलब इजी लेवल के यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हुए थे। क्लोज टेस्ट देखिए 7, इट वॉज डुएबल एंड इजी, 7 मार्क्स के ये थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स के, 5 क्वेश्चंस वेयर ऑक्स ऑन दिस टॉपिक। वर्ड एक्सचेंज 5 मार्क्स के, क्वेश्चंस वेयर इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस वेयर आस्क, एंड एरर स्पॉटिंग 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे, ओके और ये इजी क्वेश्चंस थे आपके। तो देखिए गुड अटेम्प्ट्स देख लेते हम लोग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25-30 गुड अटेम्प्ट्स, रीजनिंग एबिलिटी 24-30, इंग्लिश लैंग्वेज 22-24, 70-75 क्वेश्चन जो है यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स निकल के आए थे राइट। मतलब एक नॉर्मल जो स्टूडेंट्स अगर हम लेते हैं तो वो 70-75 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता था। चलो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, डिफिकल्टी लेवल, ओके यहाँ पे ये चारों फैक्टर्स पे, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने बोला था ये चार टॉपिक्स पे ये आपका कट ऑफ जो है किस टाइप से रहेगा ये डिफाइंड होता है। फाइन, तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब शिफ्ट 4 का एनालिसिस लेकर मैं जल्दी आऊँगा। फाइन, तब तक के लिए टेक केयर।